नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपके लिए ऑपरेशन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एमसीक्यू पार्ट 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर ऑन ओआर एंड आईई फॉर आरजीपीवी आरआरबी आईओसीएल आईटीआई गेट एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आइए दोस्तों जानते हैं एमसीक्यू 1 ऑपरेशन रिसर्च। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट है द फर्स्ट मेथड इन्वेंटेड फॉर प्लानिंग प्रोजेक्ट बाज। प्लानिंग प्रोजेक्ट के लिए जो फर्स्ट मेथड थी, जो इन्वेंटेड की थी, वो कौन सी थी? बार चार्ट मेथड्स, मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट, बार चार्ट मेथड। तो ये हमारी इन्वेंटेड हुई थी किसके लिए? प्लानिंग प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए जो पहली मेथड इन्वेंटेड हुई थी वो थी बार चार्ट मेथड्स। क्वेश्चन सेकेंड है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटी टाइम इन पीईआरटी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामेबल इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक जो होती है पीईआरटी, इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसको फॉलो करता है? बाइनोमियल, नॉर्मल, गॉसियन, बीटा। तो ये किसको करता है? बीटा के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन थर्ड है माइक्रो मोशन स्टडी इन्वॉल्व फॉलोइंग नंबर ऑफ फंडामेंटल हैंड मोशन। माइक्रो मोशन स्टडी में कौन कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल मोशन है जो कि इन्वॉल्व होते हैं? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 16। इसमें कितने फंडामेंटल मोशन होते हैं? 16 फंडामेंटल मोशन होते हैं। क्वेश्चन फोर्थ इन माइक्रो मोशन स्टडी थर्मल इज डिस्क्राइब्ड बाय। किसको डिस्क्राइब करती है? स्टैंडर्ड सैंपल एंड कलर। जो थर्मलिक होती है एक इसको करती है डिस्क्राइब, किसको एक्सप्रेस करती है? स्टैंडर्ड सैंपल एंड कलर्स के लिए। डी इज करेक्ट ऑप्शन। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? लाइन ऑर्गेनाइजेशन। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रोसेस लेआउट इज एम्प्लॉयड फॉर। जो प्रोसेस लेआउट है ये कहाँ पे अप्लाई होता है? मास प्रोडक्शन, कंटिन्यूस प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन या सभी प्रकार के प्रोडक्शन में। तो जो हमारा प्रोसेस लेआउट है, प्रोसेस लेआउट इज एम्प्लॉयड फॉर बैच प्रोडक्शन। सी इज करेक्ट, बैच प्रोडक्शन। तो दोस्तों यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाला लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके लिए आपको बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना है और नोटिफिकेशन को ऑन रखना होगा जिससे जो भी वीडियो आपका सब्जेक्ट का नेक्स्ट में अपलोड करूंगा वो आपको समय से मिल जाए। सेकंड, आरजीपीवी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बीटेक एंड डिप्लोमा से संबंधित जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होते हैं वो पीके क्लासेस में सबसे पहले अपलोड करता हूँ। तो इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आल्सो योर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू आल्सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब्सक्राइब पीके क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 7th प्रोडक्ट लेआउट इज एम्प्लॉयड फॉर। जो प्रोडक्ट लेआउट है वो कहाँ पे एम्प्लॉय होता है? कंटिन्यूस प्रोडक्शन। किसके लिए? कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज फॉर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इज। यदि हम सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा लगता है, कौन सा अप्लाई होता है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन। वी इज करेक्ट, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। पीईआरटी आवलिक सीपीएम टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर फॉलोइंग एप्लीकेशंस। जो पीईआरटी या सीपीएम टेक्निक होती है इसको हम किस प्रकार की एप्लीकेशन में उपयोग करते हैं? मेंटेनेंस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वंस थ्रू प्रोजेक्ट में या इन सभी में। तो पीईआरटी एंड सीपीएम एक क्रिटिकल पाथ मेथड एंड प्रोग्रामेबल
इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक जो होती है, ये दोनों ही हमारी इन सभी में यूज होती हैं, जिसके लिए डीएच करेक्ट रिसर्च में भी हम यूज करते हैं, मेंटेनेंस में भी, और वंस थ्रू प्रोजेक्ट में भी यूज की जाती हैं। डैश डैश आर यूज्ड इन सिक्स सिग्मा। अब ये हमारा ऑपरेशन रिसर्च जो यूनिट है उसमें सिक्स सिग्मा जस्ट इन टाइम ये सारा सिलेबस में दिया हुआ है, तो उससे क्वेश्चन है। डैश डैश आर यूज्ड इन सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा में किसका उपयोग किया जाता है? तो ब्लैक वेल्ट, ग्रीन वेल्ट या बोध। तो इसमें दोनों ही यूज होते हैं, बोध ए एंड बी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोध ए एंड बी, ब्लैक एंड ग्रीन वेल्ट दोनों ही सिक्स सिग्मा में यूज किए जाते हैं। जस्ट इन टाइम बाज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड बाय, जो जस्ट इन टाइम है इसको सक्सेसफुली किसने इम्प्लीमेंट किया था? तो इसके लिए किया था टोयोटा। टोयोटा ये हमारी क्या है, जापानीज टेक्निक होती है। तो जो हमारी टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है, जापान की तकनीकी है, इसको टोयोटा ने सबसे पहले क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया था। जस्ट इन टाइम एम्ड इट। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है? जीरो इन्वेंट्रीज, जीरो इन्वेंट्री। जस्ट इन टाइम मतलब जीरो इन्वेंट्री, कहने का मतलब है कि हम बहुत सारा स्टोर करके कुछ भी नहीं रखेंगे। यदि हमको कोई भी रिक्वायरमेंट मिलती है, कोई भी डिमांड मिलती है, कोई भी मींस कोई आपसे कुछ भी परचेस करने का बोलता है, ऑर्डर मिलता है, तो ऑर्डर के हिसाब से हम क्या करते हैं, जस्ट इन टाइम मतलब समय पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके उसको हम कंप्लीट करते हैं और इसके बाद डिलीवर करते हैं। हम स्टोर रख करके अननेसेसरी नहीं रखते हैं, तो इसका मतलब होता है जीरो इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन जस्ट इन टाइम सिस्टम, जस्ट इन टाइम जो सिस्टम होता है, देयर इज नो डिले, कन्वीनियंस टाइम आर बैलेंस्ड, बोथ ए एंड बी देयर आर इज अनइक्वल प्रोडक्शन एट डिफरेंट प्लेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो वो है सी, क्योंकि जो जस्ट इन टाइम है इसमें एक तो डिले नहीं होता है, जैसे ऑर्डर मिला जैसे उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही समय में बनके रेडी हो जाता है, तो ये भी सही है। कन्वीनियंस टाइम आर बैलेंस्ड, ये भी सही है, मींस करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। व्हिच कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ सिक्स सिग्मा। व्हिच कंसीडर्ड, किसने? बिल स्मिथ। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिल स्मिथ कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ सिक्स सिग्मा। के फादर को हम किसको मानते हैं? बिल स्मिथ। द एम ऑफ सिक्स सिग्मा इनिशिएटिव इज टू, जो सिक्स सिग्मा का उद्देश्य है वो इनिशिएटिव किससे है? रेड्यूस कास्ट इम्प्रूव क्वालिटी। मीन्स सिक्स सिग्मा का मतलब क्या है? रेड्यूस्ड कास्ट एंड इम्प्रूव क्वालिटी। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बोथ ए एंड वी, एक तो सिक्स सिग्मा का मतलब कास्ट को कम करना और क्वालिटी को बढ़ाना, क्वालिटी को इंप्रूव करना होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्स सिग्मा वाज डेवलप्ड बाय द फॉलोइंग कंपनी। जो सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट है ये किस कंपनी द्वारा दिया गया है, किस कंपनी द्वारा इसको डेवलप किया गया है? तो वो कंपनी है दोस्तों मोटोरोला। ऑप्शन वी इसका करेक्ट है, मोटोरोला कंपनी द्वारा इसको डेवलप किया गया है। सिक्स सिग्मा इज एप्लीकेबल टू, सिक्स सिग्मा का एप्लीकेबल कहाँ अप्लाई होता है? फाइनेंस, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर या सभी में। तो सिक्स सिग्मा इज अप्लाइड ऑल ऑफ दी यो या ऑल ऑफ दीज, इन सभी में लगता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात कर लें, फाइनेंस की बात कर लें, हेल्थ केयर की बात कर लें, एवरीवेयर यूज सिक्स सिग्मा। व्हाट इज द परसेंटेज एक्यूरेसी इन द सिग्मा प्रोसेस। जो सिक्स सिग्मा प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, इसमें एक्यूरेसी की परसेंटेज कितनी होती है? 99.996%। मींस एक्यूरेसी की जो परसेंटेज है शुद्धता की सिक्स सिग्मा में जो वो क्या है, 99.99% होती है। TQM फोकस ऑन, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो एक किस पे फोकस करता है? क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन क्वालिटी, वी इज करेक्ट। TQM स्टैंड फॉर, TQM का फुल फॉर्म टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। तो ये दोस्तों 20 क्वेश्चन है जो पार्ट 3 है, इसके पहले 2020
ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो ये हमारे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जिससे आने वाला लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।